चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार जय श्री कृष्णा प्रणाम जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का बचपन से ही एक ख्वाब होता है कि मेरा जीवन साथी बढ़िया हो अब चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो फीमेल हो या मेल हो क्या आपके जीवन साथी का स्वभाव आपके अनुकूल होगा या नहीं बहुत छोटे से वीडियो में हम आपको थोड़ा सूत्र समझाते हैं याद रखिए जन्म कुंडली में स्त्री हो या पुरुष हम यहां पर किसी विशेष व्यक्ति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम एक सप्तमेश के लॉजिक पर चर्चा करते हैं जो सूत्र है जन्म कुंडली में पुरुष की कुंडली यदि है उसको अपने जीवन साथी के बारे में विचार करना है तो किस ग्रह को देखे और किस घर को देखे अब एक प्रश्न उठता है तो अब यहां मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा बहुत समझने की जरूरत है आपके जन्म कुंडली के तीन सूत्र पहले आपको समझने हैं एक तो आप अपने जन्म कुंडली में जो लग्न है उसका सब तम भाव देखेंगे दूसरा आपकी जो चंद्र कुंडली है उससे सप्तम भाव देखेंगे तीसरा आपके सूर्य कुंडली जो सूर्य जहां बैठा है वहां से ठीक सप्तम भाव पे देखेंगे अब सप्तम भाव के अनुसार जातक के स्वभाव में उसके पत्नी के स्वभाव में फेर बदल देखा जाता है ये तो हो गई जातक अपने जन्म कुंडली से अपने सप्तम भाव के विचार करने का सूत्र। देखिए हमेशा जन्म लग्न से ही किसी फलादेश का निर्णय नहीं हो पाता तो ऐसी अवस्था में हमें चंद्र कुंडली देखना चाहिए चंद्र कुंडली से भी सप्तम स्थान का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उसी भांति सूर्य कुंडली से बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है आगे हम सूत्र बाई सूत्र श्रृंखलाबद्ध आपको आपके साथ ये चर्चा करेंगे प्रयास करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम दे पाए चलिए अब हम चलते हैं सप्तम भाव के विचार पर जन्म कुंडली में सप्तम घर जीवन साथी का घर होता है लेकिन सप्तम घर यदि पुरुष है तो वहां से ही कई बार जीवन साथी के स्वभाव का पूर्ण फलादेश नहीं प्राप्त हो पाता ऐसी अवस्था में यदि पुरुष है तो उसको अपने शुक्र से सप्तम स्थान देखना चाहिए यदि शुक्र से सप्तम स्थान देखेगा तो उसके जीवन साथी अर्थात पत्नी का प्रभाव पता चल जाएगा क्योंकि प्रत्येक पुरुष की कुंडली में शुक्र उसकी स्त्री का स्वभाव बताएगा ठीक है ऐसे यदि किसी पुरुष की जन्म कुंडली में सप्तम स्थान पर चंद्रमा बैठा है एक बात हो गई अब सप्तम स्थान चंद्रमा सेल्फ सेल्फ भी है क्योंकि चंद्र कुंडली में जातक का सेल्फ यानी स्वरूप भी बताएगा ऐसी अवस्था में जातक के जन्म साथी जीवन साथी के साथ विचारधाराएं बहुत अच्छी मिलेंगी क्योंकि चंद्रमा सप्तम है और जातक का जीवन साथी एक तो सुंदर होगा और उसकी वाणी में मिठास होगी क्योंकि चंद्रमा शीतल है और स्वयं जातक अपने जीवन साथी के साथ ऐसे रहेगा जैसे दूध में मिश्री घुल जाने पर मिश्री निकालो तो नहीं निकलती ठीक उसी प्रकार से उसकी भावनाएं अपनी पत्नी के साथ जीवन साथी के साथ और जीवन साथी का अपने जीवन साथी के साथ बड़ा तालमेल होता है इसी भांति से अगर सप्तम स्थान पर मंगल बैठा हो तो जातक का अपने जीवन साथी के साथ मतभेद रहता है विचारों में अनबन रहती है क्रोध के आधिक्यता से जातक की पत्नी के अंदर भी क्रोध होगा और इसमें भी होगा लिहाजा जातक की पत्नी का स्वभाव उग्र होगा लाल वर्ण यानी गेहूं रंग और गर्मी और कटुभाषी जातक का जीवन साथी होगा यदि सप्तम स्थान पर या सप्तम के साथ में सप्तमेश के साथ में बुध बैठा हो प्रत्येक सप्तम और सप्तमेश के साथ आप जोड़ लीजिएगा जैसे मैंने पहले बताया चंद्रमा तो चंद्रमा और सप्तमेश दोनों के जोड़ से भी यही फल मिलेगा और पुनः मंगल तो मंगल और सप्तमेश के साथ से यही फल मिलेगा यदि बुध सप्तम में बैठा हो या बुध सप्तमेश के साथ युत हो तो ऐसे जातक की पत्नी बड़ी सुंदर भाषणी सुमधुर भाषणी गायन विद्या में निपुण योग्य शिक्षक और बैंक इत्यादि से जुड़कर के कोई व्यवसाय या नौकरी करने वाली कला में निपुण सुंदर पत्नी विचारवान मिलती है इसी तरह से यदि देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं सप्तमेश के साथ या सप्तम स्थान में तो ऐसे जीवन साथी के साथ इस व्यक्ति का जोड़ होता है जो बड़ा धर्मनिष्ठ होता है पुण्यात्मा होता है देव गुरु ब्राह्मण पति बड़ों की मतलब उपासना पूजा और बड़ों का कहना मानने में इसका जातक इसका जीवन साथी अच्छा होता है इसी प्रकार इस सप्तमेश के साथ शुक्र मिल जाए और शुक्र सप्तम सब, सप्तम बैठा हुआ हो तो ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति होती है जो जातक को हर प्रकार से वाणी से मन से वचन से संतुष्ट करती है और सुंदर भोग प्रदान करने वाली होती है रमणी होती है अत्यंत आभूषण से आभूषित और मधुभाषणी एवं आर्टिस्ट रंग गोरा और जो भोजन बनाने में अत्यंत निपुण जीवन साथी प्राप्त होता है यदि सप्तम स्थान पर शनि बैठा हो तो जीवन साथी का रंग हल्का हो जाएगा कई बार काला भी हो जाता है श्याम वर्ण हो जाता है ऐसे में जीवन साथी कटुवादी हर कार्य को मंद गति से करने वाला एवं जीवन साथी के साथ विचारों में आपसी मतभेद रहता है क्योंकि शनि का स्वभाव है कड़वा और रंग भी शनि का श्याम वर्ण है इसलिए जातक का कई बार अपने जीवन साथी के साथ बिछोड़ भी हो जाता है मतलब पत्नी मायके में रहे और पति अपने घर में रहे ऐसा देखा गया इसी प्रकार पाप ग्रह कहने का भाव है कोई भी राहु शनि केतु यदि राहु बैठा होगा तो भी जातक के चरित्र पर और जातक का अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह बना रहता है एक दूसरे के साथ संदेह अस्पद स्थिति में बने रहते हैं रंग सांवला काला और शरीर कद कद मोटा होता है और गले की वाणी गंभीर होती है भारी होती है पुरुषत्व स्वभाव में मिला हुआ होता है हमारी बात को समझने का प्रयास करिएगा सप्तम सप्तमेश के साथ यदि पाप ग्रहों की युति हो रही होगी तो जातक के जीवन साथी का स्वभाव पापिष्ट होगा पुनः केतु को देख ले तो केतु यदि सप्तम और सप्तमेश के साथ युत तो या दृष्ट हो तो जीवन साथी की हड्डियों में तकलीफ रहती है सिर पीड़ा रहती है फ्रैक्चर होने का भय रहता है हाँ वही समस्याएं पैदा होती हैं जो पाप ग्रह प्रायः किया करते हैं जीवन साथी के साथ में ऐसी अवस्था में केतु भी वही फल देगा जो राहु देगा परंतु केतु का एक स्वभाव है कि जातक की पत्नी थोड़ी धर्मात्मा होगी धर्मनिष्ठ होगी बीमार रहेगी अब ये मैंने पुरुषों के लिए ही बता दिया ऐसा नहीं है इसका विचार आपको स्त्रियों को लेकर भी करना चाहिए जिन पुरुषों को मैंने सप्तमेश के हिसाब से बताया उसी हिसाब से स्त्रियों को भी विचार करना चाहिए जैसे किसी स्त्री के ठीक सप्तम स्थान पर जो ग्रह बैठा होगा उसके स्वभाव के अनुसार उसका जीवन साथी का स्वभाव होगा अब एक फर्क यहां पर है जैसे पुरुष की कुंडली में सप्तमेश या का कारक शुक्र से ठीक सप्तम स्थान द्वारा विचार किया जाता है जीवन साथी का ठीक उसी प्रकार स्त्री की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अथवा सप्तमेश अथवा सप्तम भाव से विचार किया जाता है मतलब स्त्री की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ही उसका पति जैसा स्वभाव बताता है तो पति के द्वारा देवगुरु बृहस्पति के द्वारा स्त्री को अपने पति का विचार ठीक बृहस्पति से सप्तम भाव के माध्यम से भी कर लेना चाहिए ठीक है अब यहां पर एक बात और है पुरुष की कुंडली में यदि सप्तम में मंगल बैठा होगा शुक्र बैठा होगा विशेष शुक्र बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति व्यभिचारी कामी होता है अगर स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम में मंगल बैठा तो वह स्त्री अत्यंत चपल कामुक क्रोधी और पर पुरुषों की तरफ उसकी वृत्ति जाने वाली हो जाती है कहीं ना कहीं काम करता ही है तो मंगल के कारण अगर सप्तम मंगल होगा तो मंगल अधिक भोगवादी बनाता है स्त्री में क्योंकि मंगल अग्निकारक है और स्त्री में हो या पुरुष में दोनों में ये दोनों प्रकार की अग्नियां पुरुष में शुक्र काम देता है और स्त्री में मंगल काम देता है तो यदि काम का विचार करना हो विचार का विचार करना हो तो सप्तम या सप्तमेश के साथ पुरुष हो तो शुक्र और स्त्री है तो मंगल और शनि के द्वारा विचार करना चाहिए प्राय क्या होता है कि सप्तम भाव में यदि शनि के साथ बुद्ध जैसे ग्रह बैठ जाए तो नपुंसक योग भी बन जाता है खैर जीवन साथी के चुनाव के लिए हमने यह वीडियो आपको देना वाजिब समझा क्योंकि हर प्रत्येक पहलू पर हम आपको कोई ना कोई वीडियो देने का प्रयत्न करते रहते हैं तो मेरा यह प्रयत्न भी जारी रहेगा आपको वीडियो अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है हमें अपने टिप्पणी में जरूर बताएं विशेष ज्योतिष के सूत्रों को जानने के लिए जुड़े रहिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और लाइक शेयर जरूर कर दिया करें ताकि आपको समय समय पर संकेत मिल जाया करें नोटिफिकेशन मिल करें तो बस वीडियो में इतना ही पुनः हम हाजिर होंगे आपके साथ किसी विशेष विषय विशे को लेकर के ज्योतिष और अध्यात्म संबंधी चर्चा करेंगे तब तक भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग प्रसन्न रहें खुश रहें क्योंकि आप हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं दर्शक परिवार हैं नमस्कार जय श्री कृष्ण प्रणाम